जुए और सट्टेबाजी के जाल में जो भी फंसा वो बर्बाद हो गया। कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग कम जोखिम में आसानी से पैसे कमाना चाहते हैं। ऐसे ही लोग सट्टेबाजी और जुए के जाल में फंस जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मुंबई से सामने आया है। यहाँ मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ हाईवे पर लोगों से लूट करने और जानलेवा हमले के आरोप में केस दर्ज कराया गया है। कांस्टेबल का नाम सूरज देवराम ढोकरे बताया जा रहा है। सूरज अपनी ड्यूटी बड़े मुस्तैदी से कर रहा था, लेकिन खाली समय में मोबाइल पर अक्सर गेम खेला करता था। इसी दौरान उसे ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई। गेम खेलते खेलते वो धीरे धीरे ऑनलाइन सट्टेबाजी करने लगा। शुरू में जब पैसा आया तो उसे बहुत अच्छा लगा। इस दौरान वो बहुत सारे पैसे हार गया, लेकिन सट्टेबाजी की बुरी लत नहीं छूटी। पहले सैलरी के पैसे लगाया, फिर कम पड़े तो बैंकों से लोन भी लेने लगा। इस तरह से उसने 42 लाख रुपए लोन लेकर सट्टेबाजी में लगा दिए। सारे पैसे जब डूब गए, सूरज सड़क पर आ गया। लोन रिकवरी के फोन भी उसे आने लगे। सूरज को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने लूटपाट और चोरी शुरू कर दी। पिछले हफ्ते सूरज ने अजीम और फिरोज को लूटने के लिए उन पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 8 राउंड फायरिंग भी कर दी और वहां से भाग निकला, लेकिन वो अपनी बाइक वहीं पर छोड़ गया। पुलिस ने बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से उसकी पहचान कर ली। वो वारदात को अंजाम देने के बाद अहमदनगर भाग रहा था। मुंबई पुलिस ने अहमदनगर पुलिस की मदद से कोल्हापुर के पास नाकाबंदी कर उसको हिरासत में ले लिया। उसने लूट की कई घटनाओं का खुलासा किया है।